संभाल के यार, तुम समझाते करो, बैठ जाओ आराम से, बैठो 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 बैठो। जी जी, ओ जी जी, सेठ जी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? अबे सुन मेरा आसन सेठ जी, पंचम। हाँ वही, मेरे साथ छटंग किया कोई एम्बुलेंस ना, जो इतने सारे सवाल कर रहे हैं मुझसे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे जी जी, मैं छटंगी है ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? देखो क्या हुआ इलायची के पापा। पापा क्या हुआ? छटंगी मामा कैसे नाप शनाप बातें बोल रहे हैं आपके लिए? अब ठीक हो ना, जल्दी बताओ। अरे कुछ ना हुआ है, छोटी सी बात है, और ये जो है पूरे चांदी चौक को इकट्ठा कर रहे हैं बेकार में। मामा सच्ची चीज बताओ, क्या बात है? अरे मैं बता रहा हूँ, कुछ ना हुआ, मुझे थोड़े से चक्कर आ गए बस। और ये जो है वो न्यूज चैनल वालों की तरह सनसनी केस खुलासा कर रहा है बेकार में। चुप रहे, बेकार की बात कर रहा है तू। आपको चक्कर आ गया और ये छोटी सी बात है पापा, आप डॉक्टर के पास चलिए तब पता चलेगा कितनी छोटी और कितनी बड़ी बात है। सुन तो, मुझे ना जाना डॉक्टर के पास, तुम लोग खामखा डॉक्टर की जेब भरने में लगे हो, बात कर रही बेकार की। अंकल जी डॉक्टर के पास जाने वाली सेल्फी। हाँ ये ले ले, ये ठीक है, चल। जीजा मैं क्या कह रहा हूँ, इलायची तो अभी छोटी है, इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, कोई ना कोई तो चाहिए इसको संभालने के लिए बड़ा। माना कि मैं 6 महीने जेल के अंदर रहता हूँ, मगर 6 महीने तो जेल के बाहर रहता हूँ, तो मैं संभाल लूंगा, आप बस वसीयत पर जो देख रही है इसके चेहरे में लिखा है मनहूस, इसीलिए कहता हूँ मैं ऐसे मनहूस। पापा अब बहुत हो गया, अब जल्दी से चलो मेरे साथ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, स्पीड ब्रेकर नहीं लगाओ रास्ते में, चलो। अरे चलो यार। अरे तू बात तो सुन। अरे कोई बात नहीं, इलायची मेरी बात को समझ, इतना कुछ ना हुआ है, मेरी तबीयत एकदम सही, तू बात ही ना समझ रही है मेरी। नहीं चलो चलो यार, तू सब मिलकर जो है मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ बेकार में। जी आप जाइए, हम। अरे तू चुप रह, थोड़ा पानी और डाल ले मंगीलाल इसमें। जी मंगीलाल। जी सर। थाने में इस बार पकौड़े बहुत दिनों बाद बन रहे हैं ना, पिंकी जी पूछ रहे। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, महीने भर से ऊपर हो गए, और आप तो तकिए के गिलास में कढ़ाई करने में बिजी थे ना, आपके पास वक्त कहाँ है? मंगीलाल साहब जी ये परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, पानी डाला ना। जी जी अच्छा हो रहा। पुष्पा ये क्या है? ये क्या है पुष्पा? सर आपके लिए ना सर्कुलर आया है। सर्कुलर पिंकी जी के लिए? मंगीलाल सर्कुलर आया मतलब तो पहले बताना था ना पुष्पा, ये पिंकी जी की प्रमोशन का सर्कुलर होगा, अभी पढ़ता हूँ एक मिनट। ये तुम छिलो तब तक है। हाँ जी क्या लिखा है? लिखा है कि रिस्पेक्टेड श्री दरोगा पिंकी जी, तू अपना काम कर रहा है, तू यहाँ के देख दिया। हाँ आपके पिछली मेडिकल के हिसाब से आप 20 केजी ओवरवेट हैं, इससे साफ पता चलता है आप थाने में कोई भी काम नहीं करते और सुस्ताते रहते हैं। अगर आपको अपनी पोस्ट को बचाना है तो हफ्ते भर में 20 केजी वजन कम करना होगा, वरना आपकी जगह मंगीलाल को नया दरोगा बना दिया जाएगा। 20 केजी मतलब 20 केजी वजन कम करने की बात मंगीलाल वो लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे 2 लीटर दूध के ऊपर से मलाई निकालनी हो। बताओ 20 केजी एक हफ्ते में, इधर बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। अरे डॉक्टर साहब कुछ लिखा भी है इसमें या सिर्फ यही लिखा है, कुछ तो बताओ। सेठ जी
आपकी रिपोर्ट आपके जीप के मंचलेपन का हिसाब दे रही है। अगर आपकी रिपोर्ट की सुनू ना तो आपको कहीं और जाने की तैयारी करनी होगी। हाँ? सीधा GSH। क्या GSH? मतलब घर से हॉस्पिटल। देखिए, आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी शुगर सब मुंह फुला के बैठे हुए हैं। और बिना एक्सरसाइज के और परहेज के ना, अब ये नहीं मानने वाले। जीजाजी, तीन पासपोर्ट साइज फोटो तो होंगे आपके पास? क्यों, माला चढ़वाएगा उनपे क्या? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो बड़े की जरूरत पड़ती है। मतलब तीन फोटो तो चाहिए ना, मतलब वसीयत के लिए तीन। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे चटंकी भैया, ये कैसे बेहूदी बातें कर रहे हो? चलो अंदर, अंदर चलो। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो अंदर चलो, चलो। इलायची बेटा, पापा को समझाओ, अब लापरवाही बरतने का वक्त गया, अब करना है MTKB। MTKB? मीठा तला खाना बंद। अच्छा तो मैं चलता हूँ फिर। पापा, अब एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आपकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी है। ये तला भुना, ये मीठा सब कुछ खाना बंद। और ये बिट्टू हलवाई की दुकान है ना, भूल जाइए कि कभी चांदनी चौक में थी। पापा, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना हम कभी नहीं जी पाएंगे, इसलिए आपकी सेहत के साथ हम सब कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम नहीं जी पाएंगे आपके बिना, प्लीज पापा। बेटा, तू इतनी उदास क्यों हो रही है? तो ठीक है, मैं ना खाऊंगा, प्रॉमिस कीजिए। अरे तेरी माँ ने आज तक मुझसे प्रॉमिस ना करवाया और तू कह रही प्रॉमिस करो। प्रॉमिस कीजिए बस। चल ठीक है, प्रॉमिस। थैंक यू पापा। इलायची जी, आप क्या हुआ? इलायची जी, आप रो लीजिए। इलायची जी, कभी कभी मन हल्का करना जरूरी होता है। टीचर जी, पापा को कैसे कुछ भी हो सकता है? पता आपको, वो ना एकदम सांड की तरह रहे पूरी जिंदगी। पता है, उनकी एज के जो लोग होते हैं ना, वो फीकी चाय पीते हैं, लेकिन मेरे पापा बिट्टू हलवाई के रेगुलर कस्टमर, एकदम प्राउड से। कैसे उनकी रिपोर्ट इतनी खराब? इलायची जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ईश्वर की महान कृपा है, सब ठीक हो जाएगा। उनका बस हल्का सा थोड़ा सा वजन बढ़ा है। हल्का सा थोड़ा सा? आप पागल हो गए क्या जीजाजी? हम ठीक है इलायची जी, हो जाता है। सॉरी, मैं क्या करूं यार, पता जब सामने से पापा ऐसे यूं चल के आते हैं ना, तो उनके पीछे का जो टेम्पो भी होता है ना, वो तक छुप जाता है। नहीं नहीं इलायची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा इलायची जी। अरे यार, सब तो तब ठीक होगा ना जब वो समझेंगे कि वाकई में कुछ गड़बड़ है उनके अंदर यार। पर नहीं, मेरे पापा की ना एक ही मेंटालिटी है कि पहले तो भीम आया था हिंदुस्तान में। हाँ। उसके बाद डायरेक्टली मेरे पापा पैदा हुए, दुनिया के सबसे हेल्दी आदमी, कि कुछ भी खाएंगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। जब भी हम उनके साथ दुकान पे काम कर रहे होते हैं ना, पता है हमें क्या करते हैं, अपनी ऐसे बाजुएं दिखाते हैं और डोले दिख रहे हैं ऐसे करते हैं। अब आप हमें बताइए, अगर हम उन्हें ना बोलेंगे तो ऐसे टेंशन, और अगर हाँ बोलेंगे तो हमें झूठ बोलना नहीं पसंद ना। तो है, लेकिन जीजाजी, लेकिन उन्हें ना इस गलतफहमी से निकालना पड़ेगा, तभी वो जो अटरम शटरम खाते रहते हैं ना, वो बंद करेंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे ना। पर
नहीं नहीं इलायची जी, आप चिंता मत कीजिए, हम दुकान पर उनका ध्यान रखेंगे और आप घर पे उनका ध्यान रखना और सब ठीक हो जाएगा। हम उन्हें एकदम ठीक कर देंगे, अच्छा चंगा भला। इलायची जी हम कर लेंगे। लेकिन जीजाजी मुझे... नहीं इलायची जी, हम कह रहे हैं ना आपको, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप भरोसा रखिए। अरे सेठ जी, ऐसे क्या सोच रहे हो तुम, मसाज का मजा ही ना ले रहे हो? अरे मजा ले रहा हूँ, लेकिन वो हम छोटे, वो रिपोर्ट आ गई मेरी। रिपोर्ट आ गई? हाँ। अरे तुम सेठ जी, तुम भी बच्चों जैसे हो बिल्कुल, तुम भी इन डॉक्टरों की बातों में आ गए। क्यों, कैसी बातें कर रहे हैं बेकार की है? अब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है तो डॉक्टर की बात ना मानूं मैं, बात कर रहे बेकार की? अरे सेठ जी, ऐसी रिपोर्टें होलसेल में मिल रही है कूड़े के भाव। सुनो जी, डॉक्टरों का तो काम ही है डराना, जरा सी बीमारी हुई बड़ा करके बता देते हैं, आदमी डर जाता है। अरे सेठ जी, ऐसे ही तो इन डॉक्टरों का घर चलता है, माल पानी कहाँ से आएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब। अरे छोटे तू एक बार बताना है ना, तू एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि डॉक्टर एक मरीज की जान के साथ खेल सकता है, तुम फिर समझे ही ना। फिर क्या समझा रहा है तू, बोल। ऐसी करो, हाँ मजी लो तुम जिंदगी, ऐसी करो पहले एक बार जी है जिंदगी की मजे। हट जा हट जा। अरे मंगीलाल। जी सर। कहाँ रह गए तू मंगीलाल? पिंकी जी का कितने किलोमीटर हो गए होंगे, पिंकी जी पूछ रहे हैं। बस 550 किलोमीटर और सर, फिर आप बॉर्डर पार। तो क्या बोल रहा है बे? साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि बढ़िया सर, जॉगिंग कीजिए, कीप इट अप। हाँ कीप इट अप जी। ओके कीप इट अप। हरे 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 हरे। हाँ। अरे भैया ना, अपनी पिछली गली में गुप्ता जी रहती हैं। हाँ। अरे उनको जरा सी कुछ तकलीफ हुई। हाँ। चेकअप कराया। हाँ। और रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में लिखा दिल की बीमारी है उनको, पूरा घर परेशान, रिश्तेदार परेशान, सब आ गए, मातम सा बन गया घर में। हाँ। लेकिन गुप्ता जी पता क्या बोले? हाँ। कहने लगे भाड़ में जाए डॉक्टर और भाड़ में जाए उसकी रिपोर्ट। अच्छा। हट्टे कट्टे घूमे मोहल्ले में, खूब खाते पीते। तो मैं वही कह रहा हूँ सेठ जी, ज्यादा टेंशन ना लो और गुप्ता जी से सीखो और गुप्ता जी की तरह जिंदगी के मजे लो तुम बस। क्या कौन ले रही है भाई जिंदगी के मजे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी कुछ नहीं, वो क्या है कि मेरी रिपोर्ट में थोड़ा सा कुछ आया है लिखा हुआ, तो मुझे जरा खाने पीने को कंट्रोल करने को कहा है बस। हाँ तो उसमें क्या हो गया सेठ जी? अरे आपको पता है पिछले 5 दिनों में पिंकी जी ने 12 kg वजन कम किया, पूछ लो इसे। अबे तू खुद ही पिए जा रही है? ना ना टेस्ट कर लिया था सर। अच्छा फिर ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ सेठ जी, आप एक काम करो, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करो थोड़ा बस, और बाकी जॉगिंग करो, जॉगिंग से बहुत फर्क पड़ता है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मिल्खा सिंह हो रखा है ना तू। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि जिस हिसाब से आपका वजन कम हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हाथी सिकुड़ करना काला खरगोश हो रहा हो। मंगीलाल तू तारीफ कर रही है कि तू बेइज्जती कर रही है मेरी? साहब जी मैं तो तारीफ कर रही हूँ। अब ठीक है। लेकिन एक बात बताऊँ मंगीलाल, तू ना पिंकी जी को मस्का लगाना बंद कर दे ना, बात और नहीं बस, बहुत वजन कम करना है अभी पिंकी जी को मस्का लगाई जा रहे। तो सेठ जी पिंकी जी जा रहे अभी, आपको पता है दौड़ते हुए जा रहे लाल किले तक, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे हेलो। हाँ पुष्पा, प्लान के हिसाब से काम हो रही है ना? जी सर। बहुत अच्छे। हाँ हाँ आ रही हूँ मैं। वजन कम करेगा बेटा, अब तो वजन बढ़ाऊंगा मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? क्या फिर वही बात? क्या बोलना? गुप्ता जी की तरह जिंदगी के मजे लो, खूब खाओ पियो। मैं कसम से कह रहा हूँ गुप्ता जी जैसा स्वस्थ आदमी पूरे मोहल्ले में ना आए, टेंशन ना लो। हाँ। ले। अरे बजेंदर ऐसे क्यों रो रहा है, क्या हो गया? अरे यार छोटे क्या बताऊं, जो पिछली गली में गुप्ता जी ना रहते। हाँ हाँ
वो निकल लिए ऊपर। इलायची, गर्मा गर्म आलू के पराठे बेटा, खा ले, बहुत दिन बाद बनाए मैंने। सुन इलायची की माँ, मेरा एकादशी का व्रत है, जो मेरी प्लेट तूने खाली छोड़ दी, मेरे लिए लेके आना। अरे इलायची के पापा, सब्र रखो, तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल चीज बनाई है। अच्छा, हाँ लिया। मुझे लग रहा है आज इसने जो है मटर कुल्चे बनाए होंगे मेरे लिए, पेल के खाऊंगा आज। पेल के खाना, आ गए। ला ला ला। ये लो। ये चिड़िया कौओं का खाना मेरे लिए क्यों लेके आई है? जाहिर है छत पर डाल गया, मैं ना खा रहा ये। अरे इलायची के पापा, ये ओट्स चिड़िया कौए क्यों खाएंगे? उनके शरीर पे थोड़ी ना चर्बी चढ़ी है। पापा पता है ओट्स खाने से ना मतलब वजन नहीं बढ़ता है, वेरी हेल्दी। हाँ, जब कोई खाएगा नहीं तो वजन कैसे बढ़ेगा? पापा प्लीज यार, आपने प्रॉमिस किया था ना कि अपने खाने पर ध्यान देंगे आप। अरे तू समझ ना रही है, मैं खाने पर ध्यान ना दे रहा हूँ, बल्कि खाना मेरी तरफ ध्यान दे रहा है। अरे इलायची के पापा, देखो सारी जिंदगी तुमने अपने मन मुताबिक खाया है, और मैंने भी ना तुम्हें खिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। अब अगर थोड़े दिन फीका बेस्वाद लेकिन पौष्टिक खाना खाने से तुम्हारा शरीर ठीक होता है तो उसमें बुराई क्या है? सुन, तेरा है पौष्टिक खाना मेरे तन को ना लगेगा, क्योंकि मेरे तन ने रिजेक्ट कर दिया है, समझ रही है? और ये अस्पताल का खाना घर में मत बना, जब मैं अस्पताल चला जाऊ ना तब बनाइयो ऐसा खाना। बात कर रही है बेकार की, मेरे तो भाग्य फूट गए। हाँ, जब पति को अच्छा खाना बना के ना देगी तो भाग्य फूटेंगे। पापा बस कीजिए, मम्मी और मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता है, इसलिए चाहते कि आप एक खाना खाएं। अब देखो नाटक मत करो, चुपचाप खाओ, अभी खाओ। सुन, मेरे लिए एक बगैर घी लगा पराठा बना ला। इलायची, आधा पराठा दे दे मुझे। सुन, आलू निकाल के ही दे दे। पापा, I love you. I love you too, beta. Oh, mummy. वो लौकी का जूस लेके आओ ना, वो भी तो देने के लिए बोला ना डॉक्टर ने। ओह, अरे आराम से सर। हाँ, वो दिनों के बाद जॉगिंग करी ना, थक गया। थकिया मंगीलाल में थक गए, पिंकी जी बैठने थे अब। अरे बाप रे, मंगीलाल जी सर, और नींबू पानी जरा लेके आप, पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, बड़ी जल्दी ऐसा दिख रहे हैं आपके वक्त है? है? 3 किलो वजन कम लग रही है आपका। 3 किलो जी, मतलब अब तू देख मंगीलाल, तू देख पिंकी जी का कमाल देख, कैसे एक हफ्ते के अंदर अंदर 20 केजी कम करके दिखाते, तू देख, तू देख, बस तू देख। रे जैसे आलसी आदमी 20 किलो वजन कम करेगा सामने। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि वजन कम करने के बाद ना आप एकदम शाहरुख खान जैसे लगोगे। सच जी, मुझे बहुत लोगों ने कहा वैसे। मंगीलाल, मैं एक बात बताऊं जी, तूने ये मक्खन मत लगा, मक्खन ना लगा ज्यादा पिंकी जी को यार, बड़ी मुश्किल से पिंकी जी वजन कम कर रहे, तू मक्खन लगा रहे फिर बढ़ जाएगा। तू बस जा और नींबू पानी लेके आ।
डरता है मुझसे बहुत। नींबू पानी भी तो टेस्टी होता है, थोड़ा हनी डाल के ना। सर, मेरे दूर के चाची के ताई के बुआ के बेटी के यहाँ लड़का हुआ है, उसी के खुशी में आप मुंह मीठा कर लीजिए ना। पता है तुझे पुष्पा, ये जो ना ये पिंकी जी की फेवरेट रखी है ये, लेकिन ना पिंकी जी की वर्दी जो है ना और पोस्ट, वो पिंकी जी को ज्यादा प्यारी है, तो पिंकी जी तो खा नहीं पाएंगे। तो ठीक है। हेलो, आजा आजा, हो गया बस। हाँ। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ये जलेबी और ये रबड़ी पिंकी जी को बुला रही है।